A warm welcome on the session of Prayag Public School of English Literature. Students, today I am here with a topic of traffic rules. What? Traffic rules. Students, you all know what is traffic rules. If we walk or drive on the road, if we walk and drive on the road, we should follow the traffic rule, okay? We should follow the traffic rule. If we won't follow the traffic rule, it can cause the accident. Students, what happened? If we won't follow the traffic rules, it can cause the accident, okay? We can injure. So students, today we are going to talk about traffic rules. I know students, you all know what is traffic rules. Okay? Traffic rules prevent us from accidents. Okay? So, have a look on it. Students, have a first look on it. English Conversation Chapter 10, Traffic Rules. If we walk or drive on the road, we should follow the traffic rules. If we avoid traffic rules, it can cause the accidents. अगर हम रोड पर सड़क पर ड्राइव करते हैं या वॉक करते हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स का ध्यान देना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है, अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा और वी विल सेफ, हम लोग क्या होंगे, सेफ होंगे. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल ओपन योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बुक एंड लेट्स वी टॉक. सो ट्रैफिक रूल्स, इट्स योर चैप्टर 10, ट्रैफिक रूल्स, पेज नंबर 39. देयर इज अ टीचर एंड स्टूडेंट्स. देयर इज टीचर एंड स्टूडेंट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक रूल्स. स्टूडेंट्स, सो लिसन केयरफुली. टीचर, देयर इज अ टीचर. शुड वी वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द रोड? टीचर इज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट. वॉट? शुड वी वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द रोड? क्या हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए या रोड पर चलना चाहिए? स्टूडेंट, स्टूडेंट इज आंसरिंग. एक स्टूडेंट आंसर कर रहा है, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ. उसको फुटपाथ इसलिए क्यों बोलते हैं? फुट मीन्स क्या होता है? पैर ना. तो पैर से चलने का जो रास्ता है उसीलिए उसको बोलते हैं फुटपाथ. ओके, सो स्टूडेंट वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ. एक स्टूडेंट ने आंसर किया कि हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए. टीचर, ऑन विच साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक? ऑन विच साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक? हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए? नाउ स्टूडेंट, वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. हमें रोड में लेफ्ट साइड में वॉक करना चाहिए. सो टीचर, व्हेन शुड यू क्लाइंब इन एंड क्लाइंब आउट ऑफ योर स्कूल बस? व्हेन शुड यू क्लाइंब? व्हाट इज द मीन ऑफ क्लाइंब? क्लाइंब मीन्स climb, क्लाइंब मीन्स चढ़ना. सो व्हेन शुड यू क्लाइंब इन एंड क्लाइंब आउट ऑफ योर स्कूल बस? आप अपने स्कूल बस में कब चढ़ते हो और कब उतरते हो? सो व्हाट इज द स्टूडेंट आंसरिंग? नाउ टर्न द पेज, पेज 40. स्टूडेंट, वी शुड क्लाइंब इन एंड क्लाइंब आउट ऑफ द स्कूल बस व्हेन इट स्टॉप्स कंप्लीटली. क्या होता है, स्टूडेंट ने आंसर किया, हमें अपने स्कूल बस में तभी चढ़ना और उतरना चाहिए जब वह पूरी तरह रुक जाए. कभी कभी क्या होता है, हमें जल्दबाजी होती है, सोचते हैं हम जल्दी पहले जाके सीट कवर कर ले और वी राइड इन अ मूविंग बस. नो, नेवर एंड एवर, नेवर राइड ऑन द मूविंग बस.
कभी भी जब चाहे वो जितनी भी स्लो स्पीड में हो, कभी भी उसे चढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए और उतरने की भी कोशिश मूविंग बस में नहीं करनी चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट वी शुड क्लाइंब इन एंड क्लाइंब आउट ऑफ द स्कूल बस व्हेन इट स्टॉप्स कम्प्लीटली. जब ये पूरी तरह से कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से जब हमारी स्कूल बस रुक जाती है तब हमें उस पर चढ़ना चाहिए. राइड इन एंड राइड आउट. राइड इन मीन्स चढ़ना, राइड आउट मीन्स उतरना. ठीक है, तब हमें बस से चढ़ना चाहिए या उतरना चाहिए. नाउ टीचर वेयर शुड यू क्रॉस द रोड. हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए. स्टूडेंट वी शुड क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग. आई रिपीट वी शुड क्रॉस द रोड एट अ जीब्रा क्रॉसिंग. हमें जीब्रा क्रॉसिंग से रोड पार करनी चाहिए. व्हेन वी वॉक ऑन द रोड यू कैन लुक जीब्रा. जब हमें रोड पार करना है ना, हमें क्रॉस करना है तो जीब्रा क्रॉसिंग होती है. ठीक है, जीब्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ब्लैक वाइट स्ट्राइप्स होती हैं. ठीक है ना, ब्लैक वाइट स्ट्राइप्स होती है. जीब्रा क्यों बोलते हैं उसको जीब्रा क्रॉसिंग. जीब्रा में भी स्ट्राइप्स होती है ना बेटा, ब्लैक वाइट. तो ऐसे ब्लैक वाइट जो स्ट्राइप्स वाली रोड होती है उस प्लेस को हम बोलते हैं रोड में जीब्रा क्रॉसिंग. जीब्रा क्रॉसिंग इसलिए बनाई जाती है कि हम लोग क्या करें, रोड क्रॉस कर सकें. क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक क्या होता है, वहाँ पे लोग जब आते हैं गाड़ी से तो उनको पता होता है जीब्रा क्रॉसिंग है तो अपनी गाड़ी स्लो रखते हैं. जब देखते हैं कोई पास हो रहा है तो अपनी गाड़ी को क्या कर देते हैं, वो दे स्टॉप देयर व्हीकल. तब वो अपने व्हीकल को स्टॉप कर देते हैं. सो टीचर स्टूडेंट वी शुड क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग. हमें जीब्रा क्रॉसिंग से रोड पार करनी चाहिए. टीचर फ्रॉम विच साइड यू शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल. क्या कह रहा है, फ्रॉम विच साइड शुड यू ओवरटेक अनदर व्हीकल. आपको किस तरफ से दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए. मतलब अब हम लोग जा रहे हैं, एक गाड़ी और जा रही है, हाँ वी आर इन हरी, हमें जल्दी निकलना है. तो ओवरटेक मतलब एक गाड़ी को पार करके आगे निकल जाना, उसको बोलते हैं ओवरटेक. ओके स्टूडेंट, तो वी शुड, स्टूडेंट इज आंसरिंग, वी शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल फ्रॉम द राइट साइड. अब एक साइड में गाड़ी जा रही है, अब हमें जाना है ना, तो हमें राइट साइड से, ये नहीं हम इधर से गाड़ी से कट कर रहे हैं, हम अपने राइट हैंड में जो राइट साइड है उससे हम गाड़ी को अपना, पहले हम क्या करते हैं, हॉर्न देते हैं. ठीक है ना, या फिर रात को है तो डिपर यानी लाइट जलाते हैं जिससे पता चलता है कि हम, जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो बैक में पीछे गाड़ी है वो हमसे पास होना चाहती है, फिर उसको लोग क्या करते हैं, वो व्हीकल वाला उसको साइड दे देता है और वो गाड़ी राइट हैंड से आगे निकल जाती है. तो ओवरटेक किस साइड से करना चाहिए, राइट साइड से. सो वी शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल फ्रॉम द राइट साइड. हमें दूसरी गाड़ी को ओवरटेक दाई तरफ से करना चाहिए. टीचर व्हाट डज द रेड ट्रैफिक लाइट मीन. योर आप जब आप मूव करते होगे, आप देखते होगे अपने पेरेंट के साथ, जब आप जाते होगे आप देखते होगे कि ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, येल्लो रेड एंड ग्रीन. आप छोटे से पोयम में भी चलते चलो, येलो मीन्स वेट और ग्रीन जब होता है वॉक या मूव, और रेड मीन्स स्टॉप. रेड मीन्स क्या होता है, स्टॉप, और येलो मीन्स वेट. अब येलो का मतलब वेट हो गया, अब जब बस इसके बाद ही ग्रीन लाइट होगी तो वी कैन मूव. और ग्रीन का मतलब क्या होता है कि आप अब जा सकते हो, यू कैन मूव नाउ. सो स्टूडेंट टीचर ने पूछा व्हाट डज द रेड ट्रैफिक लाइट मीन. रेड ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब होता है. स्टूडेंट रेड ट्रैफिक लाइट मीन्स दैट वी शुड स्टॉप. रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है कि रुक जाओ. जब ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जल रही हो ना तब हमें रुक जाना चाहिए. टीचर व्हाट डज द ग्रीन ट्रैफिक लाइट मीन. ग्रीन ट्रैफिक लाइट का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है. स्टूडेंट इज आंसरिंग इट टेल्स अस टू मूव. ग्रीन का मतलब होता है कि अब हम मूव कर सकते हैं या चल सकते हैं. टीचर हु गाइड्स द ट्रैफिक. ट्रैफिक को गाइड कौन करता है. स्टूडेंट द ट्रैफिक पुलिस गाइड्स द ट्रैफिक. व्हेन वी मूव ऑन द रोड वी कैन सी देयर वाज अ ट्रैफिक पुलिस ना, देयर
देयर आर ट्रैफिक पुलिस स्टैंड देयर, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है ना. सो व्हाट, तो वी टुडे वी टॉक अबाउट, वी टॉक्ड अबाउट ट्रैफिक रूल्स. स्टूडेंट आई थिंक यू नाउ नो हाउ डू वी टॉक अबाउट ट्रैफिक रूल्स. इफ वी ask the question, if anyone is asking question from me, okay, we can ask the question, we can put up the questions now, okay. अगर आपको traffic rules के बारे में बात करनी है तो आप कैसे questions put up भी कर सकते हो. If anyone is putting the questions from you, you can reply now, okay. So student, what is there is activity, there is activity है आपकी red light, yellow light and green light. अब आपको इस पर क्या करना है, ट्रैफिक लाइट्स के नेम दे देना है और आपको ये लिखना है, आपको इसमें तो खाली दिया है, आपको आपको लिखना है रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट. आप रेड लाइट के आगे लिख देंगे स्टॉप, इट मींस स्टॉप. येलो लाइट के सामने लिखेंगे इट मींस वेट. एंड ग्रीन लाइट के सामने लिखेंगे इट मींस मूव. ओके स्टूडेंट, एंड आपको ड्रॉ करना है. एक एक वाइट पेज में आप ड्रॉ करोगे, एक कोई भी वाइट पेज में आप ले सकते हो, कोई भी पेज में आप ड्रॉ करोगे और आर्ट की कॉपी हो या कोई भी आपके पास वाइट पेज हो, आप उसमें ड्रॉ करोगे ट्रैफिक लाइट्स को. आप लिखोगे रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट. आप लिखोगे रेड लाइट के आगे इट मीन्स स्टॉप, येलो लाइट के सामने लिखोगे इट मीन्स वेट और ग्रीन लाइट के सामने लिखोगे इट मीन्स मूव या वॉक, व्हाटएवर, मूव. ओके, सो हैव अ गुड डे.